7,000 रुपये दिया था। मैंने कभी कोई सेशन नहीं किया, मेरा फर्स्ट सेशन है, मेरा रिकॉर्ड सेशन है। मैंने सेशन की काफी तैयारी भी की, कई बार इन सेशन हो नहीं पाए। आज ये सेशन पहली बार है जो कंप्लीट होने जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। आज इस सेशन का मेन टॉपिक डिजायर है। आप सभी जानते हैं डिजायर इसमें कुछ और भी है जो मैं लास्ट में ओपन करूँ, जो आपको लास्ट बताया चलेगा कि ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया और क्यों इस टॉपिक को इस बेस पे रखा। इस टॉपिक के साथ इस पहले सेशन के साथ इस पहले मैं आप सभी को अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा नहीं दो मिनट बताऊंगा, फिर हम इस सेशन पे जो यहाँ का मेन सेशन है जो स्टार्टअप है वो हम उसकी बात करेंगे। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो बहुत ही रिच नहीं है ना बहुत ही पुअर है, नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास से मिड लोअर फैमिली कह सकते हैं। मेरा नाम योगेंद्र पाठक, मेरे फादर मिस्टर राजेश कुमार पाठक एक इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है, लेकिन आज नहीं। वो कदर मेरा आज से 7 साल पहले उसको मैं इस सेशन में रखा, क्योंकि मुझे जो जरूरत थी डिजायर जो मैंने कहा सेशन खत्म हो गया, डिजायर भी चाहिए था उस दिन वो आज भी चाहिए, वही मुझे अच्छा चाहिए हर लाइफ में, हर बंदे की लाइफ में सेशन होना चाहिए। यस और नो? जोश है कुछ ऐसा है जो हर कोई कहना चाहता है, ऐसे सेशंस जो हमेशा नहीं होते, हर कोई नहीं करता, सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग ही करते हैं। जो करते हैं उनको घर चाहिए, गट्स, कॉन्फिडेंस और डिजायर किसी चीज को पाने की ललक, एक लत। लत गलत वे मैंने ड्रग्स की नहीं कर रहा हूं, एक सक्सेस की लत जो हम हमेशा अपनी लाइफ में हर एक मोमेंट को पाने के लिए करते हैं। हर एक चीज जो हमारी लाइफ बनाती है डेडिकेट करके सक्सेस देती है हमें, उसकी मैं बात करूं। एक छोटी सी स्ट्रगल स्टोरी है जो इस सेशन को करने से पहले मेरे साथ है। इस सेशन को तैयारी मैं 3 महीने से कर रहा हूं कि मैं एक सेशन दूंगा सबके साथ, जिसे सुनने वाले 100 होंगे 50 होंगे पता नहीं। मैंने कोशिश की, मुझे इसमें लोगों ने हेल्प भी की, मना भी किया। लास्ट में मेरे साथ एक छोटी सी घटना घटी, जब इस सेशन में तैयारी पूरी कर चुका, पूरी तैयारी मैंने की सेशन की, ये सेशन मेरा आज हेल्ड हुआ, आज प्लेटफॉर्म पे आएगा, उस दिन कोई झटका लगा, सेशन मना कर दिया। जब सेशन मना कर दिया करने से हर किसी ने मना कर दिया, सेशन नहीं हो सकता ना मैं करूंगा आपके साथ कोई काम, और हर बंदे ने मना किया। मैं बहुत परेशान हुआ कि यार सेशन तो मना हो गया, अब मैं क्या करूँ। सेशन जो मेरी ड्रीम थी, जिसके लिए मैं 3 महीने हर एक चीज जो मैंने सोचा कि इस सेशन में मैं करूंगा, हर एक स्पीच अपनी लाइफ सबके सामने रखूंगा, सबने मना किया, मैं टूट गया। फिर मैंने एक बार सोचा, फिर से कोशिश कर, डिजायर मैं टॉपिक था पहले से, कोशिश था या फिर से कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जो शायद किसी ने ना किया। मना करने के बाद टूटने के बाद दोबारा मैंने वापसी की, दोबारा मैंने फिर से इस सेशन की स्टार्टिंग के लिए प्रिपरेशन की, वो प्रिपरेशन आज सक्सेस है मेरे। ये मेरा पहला डिजायर था, ये मेरा पहला डिजायर था जो सक्सेस है, और ये मेरी लाइफ का पहला सक्सेस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबका सपोर्ट चाहूंगा, प्लीज एक बार ताली हो जाए सपोर्ट के लिए। जो स्टार्टअप आपने मुझे यहां दिया, आज से हर सेशन, हर आगे आने वाला सेशन, आज एक छोटा सिस्टम, एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी अपनी लाइफ कि अगर आपको 1,000 मील चलने हो, 1,000 मिलियंस चलने हो, तो आपको एक कदम चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस। पहला कदम आप चलते हो कॉन्फिडेंस के साथ, वो जो पहला कदम होता है वही आपकी सक्सेस बनाता है, वही आपका प्लेटफॉर्म तय करता है। वो प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ प्लेटफॉर्म का कदम रखते हो आप, तो वो सक्सेस आपको जरूर देता है। यस और नो? यस सर। कोई बिलीव कर रहा है? अब आप कोई छोटे से आप जितनी बिलीव करते हो सब छोड़ो, आपके हर बिलीव को मैं तोड़ने के लिए यहां हूं, हर बिलीफ तोड़ूंगा, हर बिलीफ को बनाने का एक पैटर्न है। सेशन डिजायर है, डिजायर क्यों है, उसको एक बिलीफ बनाता डिजायर। हम जो सोचते हैं, जो हमारी बिलीफ्स हैं हमारी लाइफ में कि हम ये कर सकते हैं, वही बिलीफ हमें कहती है हम ये नहीं कर सकते। दो चीजें हैं जो बिलीफ कहता होगा, एक बिलीफ कहता नहीं होगी, उन दोनों में सही क्या है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर। दोनों बिलीफ
हाँ और ना, वर्ड दोनों बराबर है, कॉमा एक है, एक चीज है, सिर्फ हाँ और ना, एक सर ऐसे करता एक सर ऐसे, डिफरेंस क्या है, आप कैसे घुमाते हो सर, सर आपका रोटेशन आप की है, उसको घुमाने के पैटर्न आप पता होना चाहिए किसी और को नहीं। हम आज जो काम करते हैं, हम काम करते हैं किसके बेस पे, सोसाइटी के बेस पे। सोसाइटी क्या है यार, सोसाइटी आपको देती है, नहीं देती, देती सिर्फ एक चीज है, तुम नहीं कर सकते। आज आप कोई भी बात करो, कोई भी सेशन करो, हर बंदा ये कहता है कि आप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ब्रिगेड्स नहीं बन सकते, कौन नहीं बन सकते, कंप्यूटर हमने बनाया, सिस्टम हमने बनाया, अर्थ की ट्रुथ हम रखे हैं सामने, किसी ने रखे, सब कुछ हमने किया, फिर भी लोग कहते तुम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार, हम है कौन, हम ही तो है दुनिया में, पृथ्वी पे सिर्फ एक है इंसान, उससे बढ़ के कुछ नहीं है, उसके आगे उसकी रूल्स रेगुलेशंस के आगे कोई नहीं है, नो वन इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि जो हम करते हैं, जो हम बनाते हैं, हमारी सोच वही बात है, हम जो सोचते हैं अपनी लाइफ में कि हम ये करेंगे, हम जैसा सोचना चाहते हैं हम वैसे बन जाते हैं, सिर्फ जो बनते हैं उसको, कुछ लोग ही ऐसे हैं, हजार में लाख में सिर्फ एक बनना होगा जो बिना सोचे सक्सेस पाए, उन्होंने सोचा होगा लेकिन ज्यादा नहीं सोचा, कम सोचा थोड़ा सा, लेकिन हम ज्यादा सोचते हैं, कुछ ऐसा जो हजारों के लिए एक बंदा करता है वो सक्सेस होती है, यस और नो। ऐसे ही सेशंस मैं स्टार्टअप पे करना चाहता था, मुझे नहीं मिला प्लेटफॉर्म, करने में नहीं गया, ये सेशन पीछे एक स्टोरी है जो मैंने स्टार्टअप किया, कहां से किया, कैसे किया, एक छोटी सी बताऊंगा, इससे आपको मालूम पड़ेगा मेरा कॉन्फिडेंस कहां से आया, और मैं डिजायर जो मैंने टॉपिक बताया स्टार्टिंग में इंक्लोज किया कि मैं डिजायर है आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहता हूं, इसको स्टार्ट कहां मिला और किसने मुझे करेज दिया करने के लिए, और इस स्टार्टअप के लिए मैंने सोचा सिर्फ एक छोटी सी, जब मैं सेशन स्टार्ट करा था मुझे सबने कहा नहीं कर सकते, बाकी किया मेरे सिस्टर ने खुद कहा पहले मुझे मोटिवेट करो फिर किसी को, तो मुझे नहीं कर सकते किसी को क्या करो, मैंने कहा बात सही है, जब मैं उन्हें नहीं बात कर सकता उनसे नहीं बोल सकता हूँ तो और कैसे कर सकता हूँ, मैं किसे नहीं कर सकता, मैं ब्लॉक हो गया, ब्लैंक में रह गया, मैं सोच रहा हूँ लाइफ में आप पढ़ाई करके छोड़ दो, आज हजारों लोग बीटेक एमटेक करते हैं फिर भी काम नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ अभी फैमिली प्रेशर, लोगों की सोच कि हाँ करना है, बीटेक करो यार, बीटेक सही है, प्लेटफॉर्म सही है, कर लिया बीटेक, अब करना क्या है, मन गई और मंजिल गई और का कुछ और, इस चीज को सिर्फ एक छोटा सा बंदा, आप एक छोटे से बच्चे से पूछा करना क्या चाहता लाइफ में, वो बताएगा कि हाँ मुझे ये चीज करना, प्लेयर बनना, पढ़ना, आईटी करना, बीटेक करना, मेडिकल करना, जो भी पूछोगे बताएगा, क्योंकि उसको पता नहीं था क्या सोसाइटी का, कुछ नहीं पता होगा, उससे आप स्टार्टिंग में कुछ भी कराओ, प्रैक्टिस कराते कराते वो करेगा, लेकिन आज यहाँ इतने बैठे हैं, इनमें से अगर मैं किसी एक से कर दूँ एक चीज़ करने के लिए कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा खुद पे नहीं ट्रस्ट करता, वो ट्रस्ट करता सोसाइटी के लोगों पे, बिलीव करता है, क्योंकि सोचता है जो वो कहेगा वो मैं करूँगा, नहीं जो तुम चाहते हो वो हो सकता है, यस और नो, जो तुम चाहते हो वो डिजायर, इसलिए रखा कि मैं तुमको बता रहा हूँ डिजायर ये होता है लाइफ में, सब कुछ नहीं, आपकी हर एक चीज, हर एक मोमेंट लाइफ में जो आप चाहते हो, जो गेन करना चाहते हो, हर एक पार्ट आपका डिजायर है, किसी चीज को पाने के लिए या करने के लिए कोशिश करते हो, पहली कोशिश, पहली लक, जब गुड लक होता है, मैं सिर्फ गुड लक ही मानता हूँ, बैड लक नहीं मानता, क्योंकि हमेशा कहा जाता है जो भी होता अच्छे के लिए ही होता है, बुरे के लिए कुछ नहीं होता, हर एक चीज अच्छे के लिए ही होती है, ये सेशन हो रहा है मेरा अच्छे के लिए, ये आज या कल अच्छा हो या आने वाले साल में अच्छा हो, मे भी मैं आज एक छोटे से क्लासरूम में कर रहा हूँ, कल शायद एक स्टेडियम में सेशन करूँ, ये मैं ही अच्छा हूँ, यस और नो, ऐसे ही सेशन मैं करूँगा, आप सबको सपोर्ट भी चाहिए, मैं आपको एक इशू कर सेशन से बात कि मुझे इस सेशन को करने में दिक्कत ही कहाँ, दिक्कत है मेरी फैमिली से, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया इस सेशन की, मेरे फ्रेंड्स ने भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब ने नहीं किया, मैंने अपने स्कूल से बात की, सर से करने एक चांस दो करना चाहता हूँ, सबने मना कर दिया, नो वन से सबने कहा नहीं यार क्या करो पागल है, कोई सुन रहे नहीं सुन रहे, मैंने कहा तो सही, मैं उसको बोलता हूँ भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं यार अंधे मत कर पागल है तू, कोई नहीं सुन ध्यान होगा, मैं ब्रेकआउट, फिर मैंने सोचा एक बार कोशिश, दोबारा कोशिश की, फिर मना कर दिया, दोबारा प्लेटफॉर्म पहुँचते हुए भी मना कर, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ फिर भी मना करने के लिए, आज
मैं लोगों से फिर बात की, फिर उनको इकट्ठा किया, आज वो सेशन में हट गया जहाँ पर मैंने सिर्फ उनसे मदद मांगी, उनसे बात की, उनको लगता था करेंगे। मैंने बाहर किसी नहीं बात की कि भाई मैं करूँगा सेशन, मुझे चाहिए बंदे सब बैठने, नहीं, क्योंकि पता है सब कहेंगे तुम पागल हो, तुम नहीं कर सकते हो कुछ, क्योंकि तुम्हें बिलीव नहीं है। नहीं, मुझे बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, मेरी पहली याद थी कि मैं एक सेशन करूंगा और आज वो सेशन हेल्ड हुआ है। सो लोग यहाँ बैठे, यस और नो, यस सर। ऐसे ही मैं कई सेशन करूँगा, हर एक मोड पे अपनी जो लाइफ बनी, जो एक्सपीरियंसेस बने, छोटी छोटी जो मैं हर जगह सीखता हूँ। मैं ये सोचता कि क्लास रूम में हम क्यों अकेडमी में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में, हम हर जगह सीखते हैं, रोड पर चलते हैं। एक पत्थर सिखाता है, एक पेड़ हमको सिखाता है, हमको हर एक चीज, एक चेयर, हर एक चीज हमको सिखाती है स्टेबिलिटी। कुछ चीजें हमें बता दी कि कभी स्टेबल होना ही नहीं लाइफ, क्योंकि दुनिया में स्टेबिलिटी में अभी कोई चीज है नहीं। स्टेबल है कोई, कह सकता है स्टेबल है एनीवन, प्रेजेंट कोई कहता है स्टेबल है कोई चीज, नथिंग स्टेबल, कुछ भी स्टेबल नहीं है। मैं स्टेबल नहीं हूँ, आप स्टेबल नहीं हो, बिलीव स्टेबल नहीं है। जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत है, सबसे ज्यादा पैसे हैं, सबसे ज्यादा इज्जत है, सबसे ज्यादा शौरत है, वो चाहे एक कंट्री खरीद सकता है, दुनिया खरीद सकता है, वो स्टेबल नहीं है। क्या स्टेबल, कुछ नहीं स्टेबल है यार, स्टेबिलिटी नाम की चीज है क्या, कहीं नहीं है। स्टेबल कभी नहीं बनना किसी को लाइफ में, हमेशा काम करते रहो, चलते रहो, मूवमेंट करते रहो, उसी को लाइफ कहते हैं। हर वक्त आप कोई भी चीज करते हो, एक छोटा छोटा काम, आपको हर एक मोमेंट, हर एक सेशन, हर एक टॉपिक जो आप अपनी लाइफ में 1% तो देते हो, 1% देते हो अपनी लाइफ का, 1% मतलब 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा जो देते हो अपनी लाइफ के लिए, उसका सिर्फ एक मोमेंट आप अपनी याद बन करके सोचो कि मैं कर सकता हूँ। प्लीज एक बार सब ने आंख करेंगे और सोचे कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। कितने लोग कहते हैं कर सकते हैं, कितने लोग कह सकते हैं कर सकते हैं, हाँ प्लीज सब कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। हूँ या सो नो, या नहीं आया, एक लास्ट एक स्टोरी जो
जो हम फीचर्स पसंद नहीं करते एक लास्ट मोमेंट में जो चीज पसंद आती है हमको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है अगर हम उसको रखते हैं सामने उसके लिए हम काम करें तो हमें सक्सेस मिलती है या सो नो ऐसे ही कई स्टोरियां जो आपकी लाइफ चेंज करती है मेरी इसने चेंज की क्योंकि मुझे जरूरत थी पानी की मुझे जरूरत थी एक प्लेटफॉर्म की मेरे अंदर था कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है कुछ ऐसा करना जो मुझे पसंद हो जाए दुनिया में नहीं जो मुझे कह रहे थे पागल हो ठीक है मैं पागल हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पसंद है जो सबसे अलग है दुनिया में जो हर कोई नहीं पसंद जो मैं कर सकता हूँ ऐसी चीजें मैं ढूंढ रहा था हमेशा ढूंढता मैं हमेशा कभी नहीं सोचता यार कि ये करना आईआईटी करना बीटेक करना कुछ नहीं सिर्फ वो चीज करनी जो मुझे सुकून देती एक बार के लिए एक मिनट के लिए वो मुझे मिले जो मुझे चाहिए उसके बाद लाइफ कुछ भी कराया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आज वो दिन है मेरा जो मैं चाहता हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ ये प्लेटफॉर्म किसी ने मुझे दिया नहीं खुद बना अपने भी अपने बेस पे बनाया अपने दम पे बनाया क्योंकि ऐसे ही प्लेटफॉर्म बनते हैं प्लेटफॉर्म किसी कोई देता नहीं है आप बनाते हो खुद अपने लिए प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म खुद परफॉर्म करते हो अपना वो प्लेटफॉर्म से कोई नहीं छीन सकता आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है आपकी लाइफ जा सकती है वो प्लेटफॉर्म अगर आपने रख लिया कदम तो वो प्लेटफॉर्म सिर्फ आप हो आपके नाम कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सुनो काफी खुशी हो रही मुझे कि हाँ जोश है थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ रहा है गर्मी भी आ रही है सबके अंदर फ्लक्चुएशन बढ़ रहा है मेहनत बढ़ रहा है बट मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है हर कोई देखेगा एक ऐसे वक्त में जाओ जो आपने एक साथ कभी सुनी अपने फादर से कि बेटा एक लिमिटेड चीज है एक लिमिट तय कर लो नहीं कि तुम यही मैं कभी आप कोई लिमिट मत लिमिट कभी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के लिमिट जिसे तय कर दी ना वही खत्म लिमिट सक्सेस की नहीं होती फेलियर की भी लिमिट नहीं होती सक्सेस और फेलियर रिजल्ट है वो कोई स्पेसिफिक नहीं किसको क्या मिल गया वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सिर्फ एक छोटे से काम का है वो आपकी लाइफ रिजल्ट नहीं है कि आप फेल आज एक से बड़े एक फेलियर बैठे हैं लेकिन अपनी लाइफ में सक्सेस है वो लोग कभी 10 बार फेल हुए होंगे 1000 बार फेल हुए लेकिन फिर भी सक्सेस है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि सक्सेस की कोई लिमिट है उन्होंने लिमिट को इन्फिनिटी में चेंज किया लिमिट ही खत्म कर दी उन्होंने अपनी लिमिट है नहीं जो भी करना मुझे करना लिमिट यार फादर ने बनाई कि एक लिमिट चूज करो लिमिट नहीं चूज करनी मुझे चूज करना अनलिमिट स्काई इज नॉट द लिमिट स्काई की लिमिट नहीं है तो हमारी लिमिट क्यों है यार हमने इन्वेंट किया एक चीज हम बता रहे कि आज ये ऐसा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए तो हम लिमिट क्यों तय करें क्या है लिमिट की डेफिनेशन कोई लिमिट की डेफिनेशन ही नहीं है लिमिट की डेफिनेशन सिर्फ आपकी मैथ्स है जो कि आपका टॉपिक है पढ़ना वो लिमिट है जब उस लिमिट चैप्टर की कोई लिमिट नहीं है तो हमारी क्या लिमिट है हमारी लिमिट तो होनी भी नहीं चाहिए यार जब एक टॉपिक की लिमिट नहीं होती डेथ में है कि आज आप स्टार्ट करो आपकी डेथ हो जाएगी आप मर जाओ तब भी वो लिमिट खत्म नहीं होगा जब उसकी कोई लिमिट नहीं है तो हमारी लिमिट क्यों है नहीं होनी चाहिए सुनो नो सर लिमिट नहीं होनी चाहिए ना नो सर भाई एक टॉपिक की जिसका जिसके बेस में नहीं है कि लिमिट हो जब उसकी लिमिट नहीं तो हमारी लिमिट क्यों हम क्यों है लिमिट है हम बियॉन्ड द लिमिट सोचते हैं हमेशा सोचो ऐसा कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है हमारे साथ हमसे छोटा भी कोई नहीं ना हमसे कोई बढ़ के जो है हम सारे ये सोसाइटी कुछ नहीं है सोसाइटी बनाते हैं हम है काम हम करते हैं और हम क्या करेगा आज एक चीज कोई भी काम करना पहली चीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस दूसरों का नहीं खुद का बनाओ दूसरों का बिलीफ मत बनाओ अपने अपना बिलीफ खुद बनाओ आज आप एक सिंपल से कर आप जाके पूछ लेते अपने घर पे किसी से भी आज मुझे ये करना है ये करना है मैंने ऐसे ऐसा करना आप 10 पूछोगे 10 लोग से 10 में से सिर्फ एक बंदा है कोशिश करके एक बंदा है कोशिश करके देखो सक्सेस मिलती ठीक है करके देखो बाकी यार बंदा है पागल हो देखो मत करो यार क्या मिल जाएगा तुम्हें इससे आज जो जॉब कहोगे मेरे फादर से पापा ये मैं कर करूंगा वो उसके 1 लाख एग्जाम्पल देंगे कि आप नहीं कर सकते हो सिर्फ उसके लिए एक एग्जाम्पल चाहिए कि आप कर सकते हो कोई भी चीज हर दुनिया में हजारों चीजें कहते हैं आप नहीं कर सकते मैं एक चीज कहता हूँ मैं कर सकता हूँ मुझसे भी कई लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में यू आर अ फेलियर मैंने कहा ना नॉट अ फेलियर
क्यों मैं फेलियर हूँ यार, क्यों मैं लाइफ खत्म हो गई इसलिए फेलियर हूँ, मैं फेल हूँ इसलिए फेलियर हूँ, मैं प्लेटफॉर्म नहीं पाया इसलिए फेलियर हूँ। नहीं, फेलियर वो होता है जो स्ट्रगल करता है, जो ट्राई करता है, वो नहीं होता है वो कुछ नहीं। फेल वही बंदा होता है जो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, जो हर वक्त नई चीजें इन्वेंट करने की कोशिश करता है। सुनो, ऐसे ही छोटी छोटी चीज अपनी लाइफ में ऐड करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा अपना करियर, अपनी एक पहला कदम जो बच्चा चलता है, एक छोटी बच्चा जो वो नहीं करता है, हर मिनट का घर में हर वक्त रहता कि देना है, लेकिन उसको डरने लगता, उस बच्चे को डरने लगता, आप छत पे छोड़ दो उसको, वहां से जाएगा, उसको डरने लगता क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता, सोसाइटी क्या, लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं पता होता, सिर्फ पता है मुझे करना, सिर्फ मैं ना खाने टेंशन, अपनी टेंशन कोई टेंशन नहीं होती उसको, लाइफ अपने आप, अपने आप में मस्त, इतनी मस्ती उसके अंदर की आदमी तो सब खेल खेले, इतनी एनर्जी है। आज आप सब बच्चे हो जाए, पहले थी एनर्जी एक जब इतने बड़े थे, वो एनर्जी आज अपनी लाइफ में अपने अंदर स्टोर करके देखने पा कि क्या सक्सेस मिलती है, वो एनर्जी जो एक मिनट आपकी लाइफ चेंज करेगी, आपकी लाइफ चेंज करता एक मिनट, वो एनर्जी आप में है आप, लेकिन दूसरे की सुनते हो, इसलिए कहते हो मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी आज सब में है, मेरे अंदर है। क्यों एनर्जी? क्योंकि मैं आज भी अपने अंदर बच्चे अंदर जो बच्चा था, मैं जो बचपन था मेरा, जो एनर्जी थी उसको भी आज मैं अपने अंदर जिंदा रखता हूँ, हर फील करता हूँ कि यार वो बचपन है मेरा, क्योंकि वो उस बचपन से जो एनर्जी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, वो आपकी लाइफ है। वो सिर्फ हम कहते हैं टाइम ट्रेवलिंग, हम मना टाइम ट्रेवल कर सकते, टाइम ट्रेवल मत करो यार, मैं कहता हूँ बकवास, कोई फायदा नहीं उस टाइम ट्रेवल का, वो क्यों इन्वेंशन है। आपको टाइम ट्रेवल करना है तो अपने अंदर करो, अपने दिल में जागो, अपने दिमाग में जाकर, अपने जहन में छाकर, एक बार वो जो तुमने बचपन में खेला था क्या वो खेल सकते आज? यस और नो? नहीं कह सकते कोई भी? यस और नो? नो। जो हमने करता बचपन में की थी गलती से वो आज नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते यार? बिलीव ही नहीं है हमें, हम सुनते दूसरों की है, हम दूसरों की बात सुनते हैं, खुद पे बिलीव नहीं करते, क्यों नहीं करता बिलीव यार? ये बात करके देखो, एक छोटा सा डेमो कर दो, आप सब ध्यान देंगे सब, प्लीज क्लोज गाइस। और एक चीज है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये वाइब्रेशन आती है, आपने दो बार कुछ नहीं, लेकिन कुछ कर सकते, हल्की सी भी ना, कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा है हमारे अंदर कि हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? यस नो? सर, ऐसे ही मैं भी स्टार्ट करता हूँ कोई काम, मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझसे बहुत लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, टॉपर नहीं हो, पढ़ने फेलियर हो, तुम खेल नहीं सकते हो, डांस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक अपनी खुद की पसंद है, मैं आज तक यहाँ आने से पहले मैंने अपने स्कूल्स में कोई स्पीच नहीं की है, कोई स्पीच, कोई सेशन कुछ भी नहीं किया, कोई स्पीच इसलिए नहीं की क्योंकि मैं डर लगता, स्पीच करना क्यों, स्पीच में डर क्यों लगता, लोग बैठे होते एक हेजिटेशन होती कि भाई बंदा क्या सोच रहा है मेरा, आप गलत सोचते हो यार, मैं सोच रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे, आप सोच रहे हो मैं क्या सोच रहा हूँ आपके, सेशन ये खत्म होता, बात यही खत्म होती है कि हम एक क्या सोच रहे हैं, सोचना नहीं होता, सिर्फ काम करना, लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल करना, स्ट्रगल को एक प्लेटफॉर्म दो, अपने स्ट्रगल को एक प्लेटफॉर्म दो। अपने स्ट्रगल को, अपने लाइफ को प्लेटफॉर्म, उसको एक एक मोमेंट दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मोमेंट दो, पर डे का एक मोमेंट दो अपनी लाइफ को, जो आप चाहते हो करना या आप सोसाइटी करना, वो नहीं, जो लोग कहते तुम ये करो, नहीं यार छोड़ो, वो नहीं करना तुमको, क्यों करो, मैं वो क्यों करूँ जो लोग करना चाहते हैं, मुझे पसंद नहीं है, वो करो जो तुम चाहते हो, एक मोमेंट, एक कदम अपनी मर्जी का, चल के देखो सक्सेस मिलेगी, यस और नो? यस। ऐसे
1000 से 6000 की है जो आपको मिलेगी हर एक मोमेंट पे, हर एक कदम पे। आपको बस उसे पहचानना है, उसे पहचानना है। ऐसे हजार मोमेंट बनेगी, एक एक मिनट मोमेंट ऐसे हैं जो आप पहला कदम चलते हुए लाइफ में जो बनाना चाहते हो खुद को, एक सेशनर, एक आईटीएन, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, जो एक बार ऐसा काम करो अपनी लाइफ ना कि लोग कहें तुम खुश हो, उससे कोई और ना खुश, तुम अपने आप को हाँ मैंने अपनी लाइफ चली। एक कदम, एक स्टेप अपनी पर्सनल लाइफ की ओर बढ़ो। जो तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारा मूल मंत्र, तुम्हारा मूल मंत्र जो तुम चाहते हो कि हाँ मैं ऐसा करूँगी लाइफ, उसको एक स्टेप बढ़ा दे, एक स्टेप बढ़ा दे ना लाइफ चेंज होगी, बहुत इतनी चेंज होगी जो तुम कभी सोची नहीं होगी। मैंने खुद ही सोची कि यार मैं चेंज कर दूँ, मैं सेशन स्टार्ट की हर किसी ने कहा नहीं, मैंने कहा कर दी। आज 10 दिन पहले आज बहुत चेंज है, बहुत ज़्यादा क्या मेरे अंदर जमीन आसमान का जो बंदा कभी बोलता नहीं था स्पीच किसी ने दी नहीं, इस बंदे ने बहुत स्पीच दे रहा है। चेंज है आया ना, चेंज लग रहा है मेरे अंदर, बोलता था बहुत बोल रहा है, एक के सामने नहीं, दो के सामने, 50 सामने बोल रहा है, वो बंदा 50 सामने बोल रहा है बैठ के, कुछ तो चेंज आया। एक दो करो, तुम्हारी मर्जी, लोगों की नहीं, घर वालों की नहीं, सोसाइटी की नहीं, आपकी अपनी ओन स्ट्रेंथ, आप जो अपने लाइफ में पाना चाहते हो अचीवमेंट जो तुम्हारी है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ की, एक बार उसको करके देखो, उस अचीवमेंट को पाके देखो कैसी वो अचीवमेंट मिलती है तुम्हारी लाइफ में। ऐसी अचीवमेंट्स को आप क्या नाम देंगे, वो अचीवमेंट सिर्फ अचीवमेंट, उस अचीवमेंट में ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना आपके फादर, ना आपकी मदर, कोई नहीं कह सकता। नो वन कैन से एनीथिंग इन द सोसाइटी।